तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग पर। तो आज अपन आए हैं रायपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर मोहरा गांव, जहां पर माता भालूकोना मंदिर स्थित है। तो अभी आप लोगों को यहां चलकर अपन दर्शन कराते हैं, तो चलो चलते हैं। तो ये सामने देख सकते हो प्रवेश द्वार है और लिखा हुआ है देखो जय माँ चितावर धाम भालूकोना। तो ये भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है और कुछ गाने में सुने भी होगी इस माता का नाम, मतलब कहाँ लुकागे भालूकोना में करके गाना है। तो ये देखो काफ़ी प्राचीन मंदिर है और सामने में मंदिर है। तो अपन यहाँ से चलेंगे और माता का दर्शन करेंगे और जो भी देवी देवता है उनका भी दर्शन करेंगे। तो चलो चलते हैं। जो भालूकोना मंदिर है वो देख सकते हो पूरा घना जंगल के बीच में है और कुछ जगह में खेत उत भी है। ऐसे जगह में माता का मंदिर है और सभी देवी देवता वहाँ पे विराजमान है, जैसे शंकर कृष्ण ये सब बैठे हुए हैं। तो अभी वहाँ पे गाना चल रहा है, तो मैं आप लोगों को म्यूजिक के माध्यम से आप लोगों को मंदिर का दर्शन करवाऊंगा। तो यही रोड गया हुआ है, तो देखो इधर एक रोड गया है, किधर गया हुआ है, तो ये भालूकोना मंदिर गया हुआ है, तो वहाँ चलते हैं। और ये भी काफी प्रसिद्ध मंदिर है, काफी फेमस है और देखो इधर खेत भी है। तो चलो चलते हैं सामने और देखते हैं, अगर गाना बंद हो जाएगा तो ठीक है, आप लोगों को पूरा अपन दिखा देंगे, नहीं तो फिर म्यूजिक के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। ये सामने हम देख सकते हैं प्रवेश द्वार है, तो अभी अपन अंदर चलेंगे और देखो पूरा पेड़ लगा हुआ है, मतलब मंदिर बना हुआ है, चलते और दर्शन करते हैं। आप सामने में एंट्री लोगे तो सामने में देखो शनि देव जी का मंदिर है। सबसे पहले तो सबसे पहले इन्हीं का दर्शन करना है, उनके बाद यहाँ पे ऋषि मुनि का है, वो भी आप लोगों को दिखा